प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देशभर में आज 45 स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित किए गए। इसके जरिए गृह मंत्रालय, विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती कर रहा है। यह रोजगार मेला प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक कदम है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि हर सेक्टर का विकास हो। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का यह आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सेना में आकर सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर, पुलिस सेवा में आकर हर युवा उसका सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामान्य नागरिक पर क्या असर होगा, और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आप फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराहना की गई। आज ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और कहा ये जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुलना में कई गुना ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी। रोजगार के अनेक नए अवसर आएंगे। साथियों, आज देश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, इस इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है। अब अगले 3-3.5 साल में ये सेक्टर करीब 35 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी जितना विस्तार होगा उतने अधिक युवकों की जरूरत पड़ेगी।
उतने नए रोजगार के मौके खुल जाएंगे। साथियों, भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है।